है लगातार, रणभूमि में क्या होगा इस बार? किसान है परेशान, युवाओं पर भी आई है आंच। क्या राम मंदिर से बन पाएगी बात, या महंगाई रणभूमि में देगी मात? जनता की दहाड़ हम सुनेंगे इस बार, तथ्यों पर करेंगे बात, सिर्फ और सिर्फ चुनावी चक्रव्यूह में सोनाली सिंह के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, चुनावी चक्रव्यूह का वक्त हो चला है, जिसमें हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट तो देते ही हैं, इसके साथ ही हर एक जिले को भी बखूबी बताते हैं और समझाते हैं, वहां की समस्याओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे थे। इस दौरान वो विपक्षी दलों पर हमला करते हुए भी नजर आए। आज हम चर्चा करेंगे जनपद फर्रुखाबाद के विकास और समस्याओं के बारे में, और इसी क्रम में आपको बता दें कि द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक यहां कई बार आ चुके हैं, क्योंकि इस लोकसभा सीट की बात हर किसी से थोड़ी अलग है। बता दें, आजादी के बाद से अब तक 17 बार हो चुके लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में 7 बार यहां कांग्रेस ने बाजी मारी है। यह भी बता दें कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया अपनी कर्मभूमि फर्रुखाबाद से ही वर्ष 1962 में सांसद चुने गए थे, और जनता पार्टी के दौर में दयाराम शाक्य ने 2 बार संसद में जनपद का प्रतिनिधित्व किया। वही कांग्रेस नेता खुर्शीद आलम खां और उनके पुत्र सलमान खुर्शीद यहां से सांसद चुने गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाया। इसके साथ ही भाजपा से साक्षी महाराज 2 बार सांसद रही। वहीं वर्तमान में भाजपा के मुकेश राजपूत यहां से सांसद हैं, जिनके चर्चे भी खूब हैं। आपको बता दें, यहाँ की जनता आमतौर पर स्वच्छ छवि के नेता को ही पसंद करती है, और यहाँ के स्थानीय मुद्दे गंगा और राम गंगा से घिरा यह जनपद तकरीबन हर साल बाढ़ का प्रकोप भी झेलता है। वहीं छपाई कारखाने भी यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं यहाँ पर बीते 20 सालों में कोई बड़ा विकास कार्य भी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन विकास का दावा केवल हमेशा से एक चुनावी वादा ही रह गया है। हालांकि अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद का दौरा किया और कई सारे सौगात भी दिए, लेकिन इन योजना और सौगात के बाद भी किसानों में अभी थोड़ी नाराजगी बाकी है। वहीं इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से विकास पांडे जी, सपा से नंद किशोर दुबे जी, आम आदमी पार्टी से नीरज कुशवाहा जी, कांग्रेस से अंकुर मिश्रा जी, और भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से नरेंद्र सोमवंशी जी, और हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष विमलेश मिश्रा जी। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपचंद दीक्षित जी भी जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से। आपको बता दें, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो चुनावी चक्रव्यूह में हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि 370 का लक्ष्य हासिल करने में फर्रुखाबाद की जनता कितना बीजेपी का साथ देगी, ये पहला सवाल है विकास जी आपसे। धन्यवाद जी। मेरी आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में यहां से मुकेश राजपूत जी को सांसद का टिकट दिया, और बड़े अंतर के साथ उन्होंने निवर्तमान सांसद और केंद्र में विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित रहने वाले सलमान खुर्शीद जी को बड़े अंतर से हरा करके इस सीट पर कब्जा किया। और तब से भारतीय जनता पार्टी यहां 2019 में भी हम लगभग 2.25 लाख वोटों से जीत करके दोबारा सांसद बनाने में भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़े। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की जनता का लगाव नया नहीं है। आप देख लीजिए, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के स्वामी सच्चिदानंद हरताक्षी जी महाराज यहाँ से सांसद हुए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्रुखाबाद जैसी सीट बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत आश्वस्त करने वाली भी है, क्योंकि यहाँ की जनता का लगाव भारतीय जनता पार्टी से बना हुआ, भारतीय जनता पार्टी से लगा हुआ है और बना हुआ है। कारण इसके बिल्कुल स्पष्ट है कि 2017 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चारों सीटों पर कब्जा किया, और चारों सीटें तत्कालीन राज्य की सरकार समाजवादी पार्टी के चारों विधायक थे यहाँ, उन्हें हरा करके चारों सीटों पर हमारी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। और उससे भी अच्छी बात देखिए सोनाली जी, की 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चारों विधानसभा सीटें दोबारा कब्जा की, जिसमें हम फर्रुखाबाद सदर से आते हैं, पिछली बार से ज्यादा वोट हमें सदर में मिला।
1,00,000 पार हमें वोट मिला विधानसभा के अंदर फर्रुखाबाद सदर में। तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली है और जनता का विश्वास और गाढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में। आज हमारे पास जो नेतृत्व है साफ नियत और सही विकास एक कर्मठ नेतृत्व है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तीसरे बार भी सांसद निर्वाचित होगा फर्रुखाबाद से, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं। यही दावा गठबंधन भी कर रहा है, नंद किशोर जी जवाब दीजिएगा। लगातार दावा किया जा रहा है कि गठबंधन इस बार अच्छे से आएगी और इस बार भाजपा को कड़ा टक्कर भी देगी, लेकिन दावा कर रहे हैं विकास जी कि फर्रुखाबाद में विकास के काम भी हुए हैं, फर्रुखाबाद में कई बार सपा को हरा करके बीजेपी आई भी है और इस बार तीसरी बार भी फर्रुखाबाद में आएगी जी। नंद किशोर जी जीते भी जाते हैं लेकिन इस बार फर्रुखाबाद की जनता ने पूर्णता मूल बना लिया है जी। कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं दे रहा है जी। पीछे 10 साल के विकास कार्य के कोई नहीं है सांसद जी के जी। माननीय मुकेश राजपूत ने 10 साल में आलू मंडी रोड तक नहीं बनवा पाई जी। जो कि अब बनी इस बार के चुनाव में। साथ ही समाज भी कहीं ना कहीं उनसे छूटा रहा है, ब्राह्मण समाज में भी अत्याचार होता रहा है। इस बार जनता ने सीधा सा मूड बना लिया है कि जनपद फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर तक को भारी बहुमत से जिताना है, इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन नंद किशोर जी नवल किशोर साक्य जी को जिताना तो है, लेकिन उससे पहले एक ये छोटा सा क्लिप देखिए और फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से जनपद फर्रुखाबाद की जनता नवल किशोर साक्य को लेकर के आएगी या फिर भाजपा को लेकर के आएगी या नहीं। हमारी नहीं, ये तो विभाग के जैसे आपने एस्टीमेट बनवाया वहाँ देखिए, नहीं 50% पैसा मिलता, हम पैसा अपनी जेब से थोड़ा देते, हम दिलवाते हैं, हम पैसा ये काम द्वारा मिले दिया नहीं, झूठ बोलते हो। अरे भाई चल रहा है, चल रही है, जितना क्यों झूठ बोलता है, ये तो हमें मालूम है जितना पर हम झूठ बोलता है। वोट देना है तो दे देना, नहीं देना तो मत देना, नहीं 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 हमें मालूम है। यूपी में फर्जी इनकाउंटर मोदी मुमकिन है, कहा मैंने कहा आप लोग सुन रहे हैं, मैंने कहा कि पत्नी का घर में कुटना भी मोदी है तो मुमकिन है, पत्नी का घर में कुटना भी है मोदी है तो मुमकिन है। मैनपुरी की घटना है कि काउंटिंग में लोधी पिटना भी मोदी है तो मुमकिन है। वाह, अरे 290 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में, 290 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में, और मणिपुर की तारीख मोदी है तो मुमकिन है। इसे हटा दो कौन भैया, भैया ये वीडियो हमने रहा था। हमारी नहीं, ये तो विभाग के जैसे आपने तो ये क्लिप देखी आपने अभी नंद किशोर जी, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाने पर उठा करके कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है, गार्ड्स को बुलाया जाता है, कार्यक्रम से बाहर करवाया जाता है। अब जय श्री राम से और जय श्री राम के नारों से तो बैर नहीं है ना सपा को, और नवल किशोर शाक्य जी ने ही ऐसा किया है। तो ऐसे इस तरह से अगर किया जाएगा, इस तरह से बैर दिखाया जाएगा, अगर एक आस्था को ठेस पहुंचाया जाएगा किसी व्यक्ति के, तो फिर क्यों कोई जनता, कोई फर्रुखाबाद की ही लोग क्यों आपको वोट देंगे, क्यों लेकर के आएंगे नवल किशोर जी को। समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी ने डॉक्टर नवल किशोर साहब को नहीं हटाया था, ना उन नारे लगाने वालों को हटाया था जी। ये एक बीजेपी चाल है, हम लोग कल भी भगवान राम को मानते थे, आज भी मानते हैं, हम लोग राम मंदिर के निर्णय से राम मंदिर बनने से खुश हैं। नंद किशोर जी बीजेपी ने वीडियो बनवाया या फिर जय श्री राम के नारे लगवाए, चलिए बीजेपी ने नारा लगवा भी दिया जय श्री राम के, तो पार्टी वहां से उठा करके बाहर करने वाली बात किसने कही, वो तो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं ना। वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नहीं कही, कोई और व्यक्ति होगा ना, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने वहां से हटाने का निर्णय लिया। समाजवादी पार्टी राम को मानती है और मानती रहेगी। विकास जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि जय श्री राम के नारे लगाने पर जब कार्यक्रम से बाहर कर दिया जा रहा है, पहले कहा जाता था कि बीजेपी श्री राम को लेकर के आई है तो हम नहीं जाएंगे और इसीलिए हमारा बैर था, हम कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए, लेकिन जय श्री राम के नारे लगाने से अब सीधे कार्यक्रम से ही बाहर कर दिया जा रहा है, अब जय श्री राम के नारे लगाने से लोगों से कैसा बैर। देखिए मैं फिर कहता हूँ सोनाली जी जी,
इनकी सबकी विचारधारा सनातन विरोधी है, जितने भी आज समाजवादी पार्टी के नेता है, और समाजवादी नहीं सुना लीजिए, हिंदी गठबंधन में वो सारे लोग हैं जो सनातन का विरोध करते हैं। आप स्टालिन से चलिए और चल करके चले आइए तेजस्वी यादव तक, तेजस्वी यादव से चलिए आप चल करके चले आइए राहुल गांधी तक, राहुल गांधी जी से चलिए और चल करके चले आइए समाजवादी पार्टी तक। आज जितने भी नेता हैं समाजवादी पार्टी में वो सारे के सारे सनातन विरोधी हैं। इंडी गठबंधन का ये आधार ही है कि सनातन के विरोध को स्वरूप मान करके इंडी गठबंधन ये बना हुआ, उसमें कोई हतप्रद नहीं है हम, इनका ये आधार है समाजवादी पार्टी का। ये राम से बैर मानते हैं और रावण से प्रेम करने वाले लोग। ये रावण का ही तो चरित्र था कि निहत्थे राम भक्तों पर आपने गोलियां चलवा दी जी। और जवाहरबाग में इनका सजातीय कब्जा जमा करके बैठा रहा, पुलिस वालों के हाथ बांध दिए गए और पुलिस वाले मारे जाते रहे, और अखिलेश यादव क्योंकि वो इनका सजातीय था इसलिए चुप बैठे रहे, पुलिस वालों को रोक दिया गया कार्यवाही। ये दुर्भाग्य रहा है सोनाली जी इस प्रदेश का, और इस प्रदेश के दुर्भाग्य को जनता ने समझा और समझने के बाद इस उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार दी कि अब माफिया खुली जीप में AK-47 लेकर के नहीं घूमता है। आज माफिया की शरण स्थली नहीं है उत्तर प्रदेश। लेकिन अभी भी लोकतंत्र खतरे में है ऐसा ही कहा जा रहा है विकास जी, लगातार यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा तानाशाहों की सरकार चला रही है। गजबे है भाई, लोकतंत्र खत्म करने की बात कौन कर रहा है? सौ सौ चूहा खा करके बिल्ली हज को चली कहावत सुनी होगी सोनाली जी आपने जी। ये वो समाजवादी पार्टी लोकतंत्र खत्म होने की बात कर रही है कि जिस समाजवादी पार्टी ने पहले जब 11 लोगों की टिकट की घोषणा की उसमें 5 लोग 6 लोग उनके परिवार के थे। आज समाजवादी पार्टी में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हटेंगे तो अखिलेश यादव बनेंगे, अखिलेश यादव जी हटेंगे तो कोई और परिवार का मुखिया आकर के लड़ेगा जी, कोई और पार्टी की कमान संभालेगा। वो लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, और लोकतंत्र की दुहाई तो सोनाली जी समाजवादी पार्टी को सबसे पहले कांग्रेस की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या में कांग्रेस ने PhD कर रखी है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से पूछ लेते अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं पता है तो वो पूछ लेते श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से जी। इमरजेंसी में क्या स्थितियां और क्या दुर्दशा थी। अंकुर जी जवाब दीजिएगा कि PhD कर रखी है परिवारवाद में और जो लोकतंत्र की हत्या की गई है उसमें PhD कर रखी है कांग्रेस ने। जी अंकुर जी दीपचंद से कहिए अपना माइक म्यूट कर लें, आवाज आ रही है। दीपचंद जी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। अंकुर जी आप जवाब दीजिए कि वाकई में कांग्रेस ने PhD कर रखी है परिवारवाद में और लोकतंत्र की हत्या करने में। विकास जी ने अभी से लेकर के इमरजेंसी तक की बातें गिना दी हैं। और लगातार सपा पर भी निशाना साध रहे हैं। नंद किशोर जी आप जवाब दीजिएगा, अंकुर जी से नेटवर्क कनेक्शन टूट रहा है। देखिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र के साथ में, या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई दोराई नहीं है। इसका जवाब आगामी जनता इस चुनाव में इसको देगी जी। नीरज कुशवाहा जी आप जवाब दीजिएगा, लोकतंत्र को आखिर कौन खत्म कर रहा है, गठबंधन खत्म कर रही है या भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है? वैसे संजय सिंह तो लगातार यही कह रहे हैं कि तानाशाहों की सरकार है और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके। जिस प्रकार ये तानाशाही चल रही है जी, सबसे पहले लोकतंत्र का मूल स्तंभ होता है संसद। संसद में इन्होंने विपक्ष के लगभग सभी सांसदों को बाहर कर दिया और बाहर करने के बाद तानाशाही कानून लेकर के आए। आप देखिएगा जो चुनाव आयोग जो कि मुक्त होता है, जो कि सरकार के राष्ट्रपति के अधीन होता है, जैसे ही आचार संहिता लगती है वैसे ही चुनाव आयोग का शासन चलता है। आप देखिएगा उसके सिलेक्शन प्रोसीजर को आप देख सकती है कि प्रधानमंत्री होगा, एक मंत्री होगा और दूसरा चीज विपक्ष का नेता होगा। अब बताइए 3 में से 2 सरकार के नुमाइंदे होंगे तो लोकतंत्र बचा कहां पे है? जब आप भाजपा के देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो लिया जी, लेने के बाद आपने लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा उन लोगों से जो लोग कहते थे हम गांव को माता मानते हैं, उन्होंने 250 करोड़ रुपए
निर्यात करने वाली कंपनियों ने आप समझते हैं लाखों करोड़ों गायों के मरने के बाद वो 250 करोड़ रुपए चंदा लिया होगा। जब व्यक्ति 1000 रुपए चंदा लेता है तो उसमें से 10 रुपए देता है, मतलब जब 1000 रुपए कमाता है 10 रुपए या 5 रुपए चंदा देता है तो 250 करोड़ रुपए तो इन्होंने बीप की कंपनियों से लिया है। जिस तानाशाही की बात कर रहे हैं, माननीय केजरीवाल जी को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले लगभग 1 साल से मणिपुर जल रहा है, माताओं बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। माननीय केजरीवाल जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, जो कि आपका शराब घोटाला, जिसके नाम पे जो कह रहे थे शराब घोटाला उसी आपका रेड्डी से नीरज जी 55 करोड़ रुपए चंदा लिया गया और वो भी भाजपा ने लिया, ये मनी ट्रेल सबके सामने है। जबकि माननीय संजय सिंह जी से, माननीय केजरीवाल जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी से कोई एक भी पैसे का मनी ट्रेल नहीं मिला, लेकिन घोटाला हुआ। घोटाला में ये पूरे भाजपा वाले शराबोर हैं, लोकतंत्र को ये खत्म करने का काम कर रहे हैं, पूरे विपक्ष को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। अगर इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी तानाशाही नहीं है तो ईवीएम हटा करके चुनाव करके दिखाएं, फिर मैं आपके देखता हूं कि आप 400 पार होते हैं कि 40 पार होते हैं। विकास जी ये बड़ा आरोप है, सभी को जेल में डाल करके तानाशाहों की सरकार चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और अगर सभी को रिहा कर दिया जाता है, जैसा कि नीरज कुशवाहा जी ने कहा कि फिर अगर रिहा कर दिया जाता है तो विपक्ष को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, फिर देखिए 400 आते हैं या 40 आते हैं। विकास जी जवाब दीजिएगा। मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल है अपने सम्मानित साथी से जी। और सोनाली जी, ये पूरा आपके इस चैनल के माध्यम से पूरा देश और प्रदेश ये जानेगा कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ईडी गठबंधन की आड़ लेकर के इस देश को धोखा देने वाले अन्य दल हो जी, क्या वो ये बताएंगे कि 2014 में जब इस देश में चुनाव हुए जी, क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी? मैं प्रदेश और केंद्र दोनों की बात कर रहा हूं सोनाली जी। जी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। जी जी दूसरा सवाल ये है नीरज जी, आपको अभी अभी जवाब दिया कि सवाल था, आपने सवाल किया, उस सवाल के बदले एक और सवाल खड़ा हो गया कि 2014 में किसकी सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में भी, तो इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि आपने घोटाले की बात तो कर दी, तानाशाही की तो बात कर लेकर के आएंगे। आज वो काला धन भारत के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लेकर के बैठे हुए हैं। आप विपक्ष की जितने नेता हैं, बिजली पार्टियां, उनका अकाउंट सीज करा देते हैं। जब आपकी पार्टी में जब भ्रष्टाचारी आ जाते हैं, ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों खत्म कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ जितने भी भ्रष्टाचारियों को बुला रहे हैं, बुलाने के बाद पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में जैसे ही चले जाते हैं, चाहे वो नारदा शारदा घोटाला हो, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे आपका जो है आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, जिनको जेल में होना चाहिए था उनको आप राज्यसभा में भेज रहे हैं, जिनके ऊपर आपके कार्यकर्ता बाटर घोटाले को लेकर बुकलेट निकाली थी, उस बुकलेट वाले का मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिस व्यापन घोटाले के आप जो है आरोपी के ऊपर सजा होनी चाहिए उनको उठा करके आप जो है राज्यसभा में भेजते हैं या आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। थोड़ी देर पहले आप अजीत पवार जी को, जिनसे आप जो है कहते हैं चक्की पीसिंग, अब आप उनसे मिलकर के मिक्सिंग हो गए, बताइए पांडे जी, अब कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे। दूसरी पार्टियों के जो ईमानदार नेता है, जो कि आपका शराब घोटाला हो, आपका जो है एक भी व्यक्ति दोषी नहीं है, पूरा कि आज के समय पे जो अच्छा काम करता है, जो शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, लोगों को, लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, नीरज कुशवाहा जी अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि शराब घोटाला कर दिया गया, इतना बड़ा घोटाला कर दिया गया, लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका है दिल्ली तक। जी विकास जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद नीरज जी इसका इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप। जी विकास जी बताइए। देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि भाई साहब ने हमारे ईवीएम का सवाल छोड़ा और जैसे ही मैंने ईवीएम का जवाब दिया उसके बाद ईवीएम पे जवाब दिया और आप ईवीएम हटा करके देखिए एक बार, ईवीएम हटे कितने दिन से आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, पुलिस पहुंचती है दरवाजे तो डर जाते हैं, ये भाजपा करती है, पहले तो चोरी करेंगे और फिर जब पुलिस दरवाजा खटखटाएगी तो डर जाएंगे। अरे भाई चोरी की है तो दरवाजा खटकेगा, और अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो ईडी के पहले संबंध में आपको जाना चाहिए था और
ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए था सोनाली जी। पूरा देश जानता है कि प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स में माहिर आम आदमी पार्टी, आप याद कर लीजिए वो रामलीला ग्राउंड का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का, घसीट करके ले गए थे कांग्रेस पार्टी के पुलिस ने, उन्हें सोनिया गांधी की पुलिस, उन्हें राहुल गांधी की पुलिस आपको घसीट करके लेकर के गई थी, आज उन्हीं की गलवैया कर करके आप बैठे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार मुक्त हो गई कांग्रेस, आज दूध की धुली कांग्रेस हो गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तथाकथित ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जी। मुक्त हो गई भ्रष्टाचार से, मुक्त हो गई ममता जी भी, मुक्त हो गया लालू का परिवार, सब भ्रष्टाचार से गंगा में धुल गए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया। मशीन तो मोदी वाशिंग मशीन है, भाजपा वाशिंग पाउडर है आपका, जिसमें प्रत्येक भ्रष्टाचार आपके ही आपके पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं, माननीय गृह मंत्री जी आरोप लगाते हैं, और लगाने के बाद उसको रात में उठा करके आप गृह मंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र का। बताइए आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? ये तो भ्रष्टाचार की बात ऐसे ही लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा के ऊपर भाषण दे रहा हो। जितने भ्रष्टाचारी है वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। आपने बहुत बड़ी वाशिंग मशीन बनाई है। ये सीपीएम की बात आप कर रहे हैं, आपका चंडीगढ़ में सबने देखा जब 36 वोट गिरने थे, सिर्फ 36 वोट गिरने थे, वहां पे आप 25% का घोटाला कर लेते हैं, कैमरे के अंदर आपका जो है मक्सी पकड़ा जाता है और मसीहा को जेल में होना चाहिए था उसकी वजह से, आप उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। जिस सीबीआई की बात करते हैं उसको आपने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना दिया। मांग करके लिख करके सोनाली जी रख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी परिवारवादी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। राबड़ी देवी 2.0 करने की जुगाड़ में अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये तानाशाही की जा रही है जी। इनकी पार्टी में कोई नेता नहीं है जो सुनीता केजरीवाल से ज्यादा काबिल हो, कोई दूसरा नेता नहीं है। यही तो मैं कह रहा था कि यही है जो कांग्रेस का चाल आम आदमी पार्टी के माननीय अरविंद केजरीवाल जी नेता है, सर्वमान्य नेता है, और उनको आपने जेल में डाल दिया, आप कह रहे हैं उनका इस्तीफा ले लें। ये संविधान में लिखा है, संविधान में तो लिखा है कि वो जेल में बैठ के सैकड़ों हजारों चिट्ठियां लिख सकते हैं, आपको स्पेशल परमिशन होती है सरकार को ला सकते हैं। किसने नहीं कहा सरकार नहीं चलेगी जेल? क्या सोनिया गांधी को जेल में डालने वाले अरविंद केजरीवाल बताएं कि सोनिया गांधी आज दूध की धुली हो गई? बता दे क्या लालू यादव के परिवारवाद को कोसने वाले, स्टालिन के परिवारवाद को कोसने वाले, अखिलेश यादव के परिवारवाद को कोसने वाले संजय सिंह मुझे बताएं कि क्या आज परिवारवाद पार्टियां परिवारवाद मुक्त हो गई है? बताएं। लेकिन आज उसी गठबंधन का हवाला देते हुए जीत का दावा किया जा रहा है जी, क्या सुनीता केजरीवाल आज परिवारवाद का उदाहरण है या नहीं है? नंदकिशोर जी आप जवाब दीजिएगा, परिवार का वाद का हवाला देते हुए ही इतना दावा किया जा रहा है कि ये 400 पार की जो गारंटी दे रही है भाजपा, उसे पीछे छोड़ करके इंडी गठबंधन इस बार सरकार बनाएगी, क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा जहां केवल एकता की बात की जाती है मगर एकता नजर नहीं आती? इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन किसी से अलग नहीं है और ना ही परिवारवाद की कोई राजनीति है। अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल जी और सारे विधायकों का उनका समर्थन है, इसलिए वो मुख्यमंत्री अगर बनती है तो बनाई जाएंगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जलन पार्टी हो चुका है, जनता निकालेगी इस चुनाव में, देश की जनता खुद इनकी जलन को समाप्त करेगी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी और माननीय मुकेश राजपूत जी अत्यधिक वोटों से चुनाव हारेंगे जी। नंदकिशोर जी जनता से ही पूछ लेते हैं कि किसको वोट देगी, क्यों वोट देगी, कौन से मुद्दे होंगे, क्या समस्याएं हैं? दीपचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, बहुत देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं। दीपचंद जी सबसे पहला सवाल यही कि आप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोगों से पूछिए जानिए कि कौन से मुद्दे पर इस बार मतदान किया जाएगा, क्या जो विकासकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो उस जनता तक पहुंची है जो वाकई में इसकी हकदार है? म्यूट है, अनम्यूट। दीपचंद जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। दीपचंद जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए।
तो दीपचंद जी से कनेक्शन टूट रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल और ये भी है कि कंगना रनौत कह रही है कि राहुल और प्रियंका का टॉर्चर किया जा रहा है, दोनों अपनी जिंदगी से परेशान हैं, तो क्या वाकई में ये तंज कहां तक सही लगता है आपको? नीरज जी जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में प्रियंका जी और राहुल गांधी अपनी जिंदगी से परेशान है? भाजपा या तो कांग्रेस से तोड़ के प्रत्याशी बना रही है या ऐसे लोगों पे दबाव डाल के ईडी और सीबीआई का उनको प्रत्याशी बना रही है। आज के समय जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो सभी के सभी कैंडिडेट लगभग उधार के हैं। इनके में परिवारवाद इतना ज्यादा है, आप मानिए माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र जी क्या परिवारवाद के वो नहीं है? आप जयशाह जी उनका जो है अमित शाह जी के जो बेटे हैं वो सचिव हैं, क्या वो अपनी काबिलियत के ऊपर हैं? आप अनुराग ठाकुर जी को लीजिएगा, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। आप पंकज जी को लीजिएगा जो आपके माननीय राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं, आप राजवीर सिंह जी को लीजिएगा, इनके में परिवारवाद है, आपको सबको दिखाई दे रहा है। आज के समय पे लगभग 50 से ज्यादा टिकटें सिर्फ परिवार वालों को दी गई जो 160 या 170 अनाउंस की गई, जो परिवारवाद की बात करते हैं। और जो अभी तक कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी के साथ वो भ्रष्टाचार का मामला था, सरकार तो आपकी थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं तो सीबीआई और ईडी आम आदमी पार्टी को देकर के देखिए। 3 दिन के माननीय संजय सिंह जी ने कहा है कि तीनों को जो अपने को मारथी कहते हैं, जो अपने को चाणक्य कहते हैं, माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी और आपका जो अडानी जी, अगर एक ही सेल में न डाल दिए तो आम आदमी पार्टी का कहना छोड़ देना, एक बार सीबीआई ईडी देख करके तो देखिए। ये बड़ा दावा किया है जेल में दिखाई दें, विकास जो ईमानदार लोग हैं वो तरह से काम करेंगे। आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल की हो चाहे संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया जी, नीरज कुशवाहा जी जवाब सुनिए, कोर्ट से आर्टिकल 45 के अंतर्गत उसके अंदर साफ लिखा हुआ है जब किसी व्यक्ति का कोई भी दोष नहीं होता है तब जाकर एक्सट्रीम कंडीशन में जाकर के वो जमानत मिलती है। इसका मतलब पूरा का पूरा शराब घोटाला ही झूठा है, फेक है, क्योंकि बीजेपी ने 55 करोड़ रुपए चंदा लिया है, ये सबके सामने है, और चंदा नहीं ये एक्सट्रॉर्शन है, लोगों को डराने धमकाने का काम है जो सीबीआई और ईडी द्वारा किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड घोटाला है वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, इसके अंदर न जाने कितने लाखों करोड़ों कंपनियों को डराया धमकाया गया है, कितने नेताओं को तोड़ा गया है, अपनी पार्टी में शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने का सपना इनका न कभी पूरा हुआ है न होगा। हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, भगत सिंह के बेटे हैं, इनकी जेल से डरने वाले नहीं। जी विकास जी जवाब दीजिएगा, आपके जेल से डरने वाले नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आया है और केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसीलिए उनको उससे पहले जेल में डाल दिया गया। देखिए जेल का डर क्या होता है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, वरना नौ नौ संबंध नकार नहीं दिए होते। चोर की दाढ़ी में तिनका, अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे से जानते थे सोनाली जी कि वो कल्पित है, वो अपराधी हैं, वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए वो जैसे ही ईडी के सामने पेश होते उनकी कलाई खुल जाती और वो गिरफ्तार होते। शायद इसीलिए वो चाह रहे थे कि जितने टाइम मैं जेल से दूर रहूं, और जेल से डर करके वो इसीलिए संबंधों को टाल रहे थे। तो ये बात तो इनकी यथार्थ में है। दूसरी बात, मुझे अभी अडानी को लेकर के बड़ी जोर शोर से वकालत कर रहे थे कि अडानी को भी जेल में डाल देंगे और तमाम लोगों को जेल में डाल देंगे। अरे भाई, पंजाब के अंदर अडानी के पास जो ठेके हैं, पंजाब में किसकी सरकार है सोनाली जी? कितने ठेके निरस्त कर दिए, कितना काम निरस्त कर दिया आपने अडानी का? नहीं कर दिया। यही बात तो कांग्रेस करती थी, लेकिन जब राजस्थान में उनके मुख्यमंत्री अडानी के साथ बगल होते थे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही अडानी जब गुजरात में काम करे, जब उत्तर प्रदेश में काम करे तो बहुत दिक्कत थी। यही दोहरा चरित्र जो जनता जान चुकी है इन विरोधियों का, सोनाली जी बहुत अच्छे से उन्हें पता है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो रामलीला मैदान से कांग्रेस नाम जपते जपते परेशान नहीं हो, जी विकास जी संजय सिंह कह रहे हैं कि अब शेर बाहर आ गया है जेल से और अब मुंह तोड़ जवाब देंगी आम आदमी पार्टी, अब मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को, जो तानाशाही की सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका भी जवाब दिया जाएगा। शेर कौन है इस बात का अभी आम आदमी पार्टी में तय होना बाकी है, क्योंकि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि विधायकों का समर्थन तो सुनीता केजरीवाल को है,
बहुत बड़ी लीडर है, बड़ा काम किया है उन्होंने आम आदमी पार्टी में। शायद संजय सिंह उनके आगे बहुत छोटे नेता हैं, तो संजय सिंह को अभी ऐसे बड़बोलेपन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है अभी ये डिसाइड होना आम आदमी पार्टी में बाकी है कि अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी परिवार की परिपाटी को बढ़ाते हुए सोनिया सुनीता केजरीवाल होंगी या कोई पार्टी के अंदर का कार्यकर्ता उनकी जगह लेगा। तो अभी तो परिवारवाद के दल है ये, और परिवारवाद में घिरे हुए दल है ये बहुत अच्छे से देश जानता है, क्योंकि अरविंद के बाद सुनीता आ जाएंगी, और दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में समाजवादी पार्टी के नेता मिलने जाते हैं, एक माध्यम होता है सरकार चलाने का। माननीय केजरीवाल जी सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च नेता रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको लगता है आपने इतने बड़े बड़े नेता थे, उनको आपने साइड करने का काम किया है? शिवराज सिंह चौहान जी को लीजिए, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया को लीजिए, क्योंकि आपके नेता उनके अंदर एक भय बैठाया हुआ है। यदि जेल जाइए या मुख्यमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन नीरज जी एक सवाल ये भी है, नीरज जी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली, सवाल मेरा भी है, विकास जी से जी बताइए नंद किशोर जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव को हार चुकी है, इसका सीधा सा प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिलते हैं, अन्य स्टेटों के प्रत्याशियों को वो दूसरे स्टेट में चुनाव लड़ाते हैं, यहाँ तक कि कोई तो अभिनेता तक को चुनाव टिकट दे दी जाती है, जनपद के नेताओं को टिकट क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? ये उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है, और ये जनता इस बार के चुनाव में। लेकिन आपके पार्टी के नेताओं का कौन सा कारण ऐसा है जो पहले ही चुनाव होने से पहले ही इतना भयभीत हो गए हैं कि लगातार दल बदल कर रहे हैं? इंडी गठबंधन के नेता ही, ये पहला सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल भी है नंद किशोर जी। इंडी गठबंधन के नेता ही आखिर अपने पार्टी को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं आ जा रहे पार्टी छोड़ करके? लगातार आपके यहाँ से विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे यहाँ भी शामिल हुए बीते दिनों में, और जो पार्टी में हमारे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं टिकट मिलने के जा रहे हैं जी, और जिनको टिकट उन्हीं को मिलेगी जिनका जनता का समर्थन होगा, हर किसी को टिकट नहीं दी जाती। विकास जी जवाब दीजिएगा, पार्टी में नंद किशोर जी ने सवाल किया को टिकट दी जाती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र आपके पास है, कितने भारतीय को कैंडिडेटों को टिकट दी गई, कितने नेता को टिकट दी गई है। दावा तो आतिशी भी कर रही है, विकास जी जवाब दीजिएगा। सोनाली जी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के हमारे साथी को वास्तु स्थिति का आइडिया और अंदाजा नहीं है। मुझे बड़ा हर्ष होता कि अगर फरुखाबाद से उन्होंने ऐसे प्रत्याशी की जगह किसी लोकल के नेता को समाजवादी पार्टी के टिकट दी होती, जो काश अगर धोखे धड़े से जीत जाएगा तो लखनऊ बैठ जाएगा। तो लखनऊ बैठने वाले नेताओं को आज फरुखाबाद में लड़ाया जा रहा है, ये अपने में बड़ी वजह है जो लगता है समाजवादी पार्टी के लिए पर्याप्त से ये डरिए मत, मेरा आग्रह डरिए मत, मुझे सुन लीजिए। और दूसरी रही बात जहां तक समाजवादी पार्टी के डर की बात, तो डर तो मुरादाबाद में साफ दिख गया। सुना लीजिए, आप प्रत्याशी घोषित करते हैं, प्रत्याशी बदल देते हैं, डर तो आपको अभी साफ दिख गया, उसके बाद आपने दूसरी जगह आज ही प्रत्याशी बदला। तो उसके बाद सबसे बड़ी वजह समझिए, कन्नौज जैसी सीट जिसे समाजवादी पार्टी के लोग दूसरा वो कहते हैं, दूसरा उनका घर मानते हैं, उसमें अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित हो पाया। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, जिन चाचा के बलबूते आप चुनाव में जा रहे हैं 2024 से, उन चाचा ने हार के डर के मारे प्रत्याशिता वापस ले ली, क्योंकि वो जानते हैं कि बदायूं में हार जाएंगे, इसलिए डर के मारे उन्होंने प्रत्याशिता वापस ले ली और अपने बेटे को बलि का बकरा बनाया है। ये डर होता है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं में साफ दिख रहा है। जो प्रत्याशी आप दे रहे हैं फरुखाबाद में, मैं पांडे जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो आप फरुखाबाद से प्रत्याशी आप दे रहे हैं, पहले आप बार बार रिपोर्ट निकालते हैं कि उनका काम ठीक नहीं है,
बार बार आपकी सरकार कहती है उनकी टिकट काटी जा रही है, ये 16 सांसद है जिनकी टिकट काटी जानी है। आप इस पता नहीं कौन सी दुनिया में आप रहते हैं भाई, मैनपुरी होते हुए कन्नौज होकर के निकल गया। आपके नेता कहते हैं कि आपने विधानसभा आवाज उठाई, लोकसभा पूछ तो रहे हैं रिपोर्ट कहाँ निकाल दी बताइए। आज टूटे फूटे हालात है, सुरक्षा का मामला इतना बड़ा बदतर हो गया है कि 300-400 मोबाइल हर महीने जो ओवरब्रिज बनने थे बड़ी मुश्किल से दो ओवरब्रिज बने हैं, दो खत्म हो गए, क्यों खत्म हो गए आप जानते हैं। अरे भाई वो पाइपलाइन में पड़े किसने कहा खत्म हो गए, वही तो पहले एक राजनीति देने के लिए तैयार नहीं है भाई। जहां तक इंडिया के प्रत्याशी की बात करें, सबसे पढ़े लिखे काबिल और जमीनी आदमी है, उन्होंने जाकर के गांव में प्रचार किया और जाकर के उन्होंने जनसेवा की है, उनके यहाँ पे दरवाजे कोई बिना इलाज के वापस नहीं आता है। लगातार वो शुरू से ही कायमगंज में रह रहे हैं, लोग बताने की कोशिश करें कायमगंज लखनऊ उनका तो पूरा एरिया है, वो रहते हैं, अच्छी बात है, पढ़े लिखे काबिल आदमी है। आज एक फरखाबाद को बढ़िया काबिल एक ईमानदार सांसद मिलने जा रहा है, जनता से मेरी अपील है जो ये सारी समस्याएं हैं, नीरज जी जो सारी समस्याएं 20 साल से चली आ रही हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। इसका मतलब जो अब सरकार आएगी, अभी तक 20 सालों में नहीं हो पाया, जो थोड़ा बहुत विकास हुआ वो भी अभी के दिनों में हुआ, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। 20 सालों से जो विकास नहीं हुआ वो यानी कि अब गठबंधन आएगा तो करेगा। एक भी एक्सप्रेस वे फरखाबाद से होकर नहीं गुजरा पिछले 10 सालों में, इन्होंने कोई काम नहीं किया। दो मिनट केवल चाहूंगा सुना लीजिए, प्रचार में दिखती है, पोस्टरों में दिखती है। नीरज जी पोस्टरों में दिखती है या नहीं, दो मिनट के लिए समय दे देते हैं विकास जी को, उसके बाद बताते हैं कि वाकई में इंडी गठबंधन क्या करेगा और आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कि जिनके दो बड़े नेता जेल में हैं और अभी चुनाव किस तरह से लड़ेगी पार्टी, इसका भी ठीक नहीं है। विकास जी जवाब दीजिए। देखिए सोनाली जी, मैं आपको दो तीन वाक्य बता देता हूँ इंडी गठबंधन की स्थितियां और वास्तविक स्थितियां। आज जनता को छल्ले चले हैं, 2014 से पहले इन्हीं की सरकार थी और 2017 से पहले प्रदेश के अंदर भी इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं इंडी गठबंधन की। 2014 से पहले इस फरुखाबाद में एक विदेश मंत्री सांसद थे, सोनाली जी बहुत कोट करने का विषय, एक विदेश मंत्री यहाँ के सांसद थे। क्या इंडी गठबंधन का कोई नेता क्या बता पाता है कि उन्होंने 2014 में क्या करके दिया फरुखाबाद को? और उससे भी पहले चले जाइए तो 2009 से पहले 10 साल तक समाजवादी पार्टी के एमपी थे और उनकी स्थितियां ये थी समाजवादी पार्टी के एमपी की कि उन्होंने अपनी सांसद नीति वापस कर दी और ये कह दिया फरुखाबाद में जगह ही नहीं है लगाने के लिए। फरुखाबाद में जगह ही नहीं है लगाने के लिए, तब समाजवादी पार्टी का एमपी था, तो ये फरुखाबाद बहुत अच्छे से जानता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा। जब आएंगे तो ठगेंगे जनता को भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी, प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिला। विकास जी के आरोपों का पहले नंदकिशोर जी आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद नीरज जी आप जवाब दीजिए। पहले नंदकिशोर जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर लगातार कई हमले बोल दिए हैं विकास जी ने। देखिए समाजवादी पार्टी का जब भी सांसद फरुखाबाद में रहा है कोई भी निधि वापिस नहीं, जहाँ पे काम होना हुआ वहाँ पे काम हुआ है, फरुखाबाद में कार्य किया। लेकिन बीते 10 साल में जो योजना समाजवादी पार्टी ने बनाई थी पूर्व की, वो भारतीय जनता पार्टी आपको सुन रही है। गंगा एक्सप्रेस वे इसको यहाँ लाना चाहिए था, ये कह रहे थे गंगा एक्सप्रेस वे फरुखाबाद से गुजरेगा, नहीं गुजरा। ये दावा पिछले 20 सालों से किया जा रहा है। अंकुर जी आप क्या कहेंगे? वो भी चला गया जनपद फरुखाबाद से, जनपद फरुखाबाद में रेलवे रेड को तोड़ा गया, यहाँ तक रेलवे रोड का कोई भी कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक नंदकिशोर जी के लोग
अंकुर जी आप क्या कहेंगे, पिछले 20 सालों से यही होते आ रहा है, केवल वादा किया जाता है लेकिन जमीनी स्तर पर फरुखाबाद में वाकई में कोई काम ना पहले की सरकारों ने किया, अब की सरकारों ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत ढांचा सही कर दिया है। अंकुर जी जवाब दीजिए। मुश्किल से 1% कार्य कर पाए, वो भी जब विपक्ष ने बेर बेर हमला बोला उसके बावजूद जी। लेकिन यही विपक्ष की सरकार तो पहले थी ना, तब एक बार भी विकास की तरफ क्यों नहीं देखा गया, फरुखाबाद की जनता को कोई सौगात क्यों नहीं दी गई? नीरज जी आप जवाब दीजिए, पहले भी विपक्ष की सरकार थी। जी नीरज जी आपको हमारी आवाज आ रही है? नीरज जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। नंद किशोर जी आप ही जवाब दीजिए, पहले भी विपक्ष की ही सरकार थी, 20 सालों से बात की जा रही है, इसके पहले का इतिहास भी बड़ा ही दिलचस्प है, वो हमने अभी आपको सारी चीजें शुरुआत में ही बता दी थी कि 20 साल पहले क्या था, अब क्या है फरुखाबाद में, और अभी तो जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी बहुत सौगात दे भी दी है, लेकिन उससे क्या भला होने वाला है वाकई में, और पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया? नंद किशोर जी जवाब दीजिएगा। जनपद फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने विकास कर किया, आलू मंडी को बनाया जी। एक बार आलू मंडी समाजवादी दीप चंद के पास चलते हैं, सबसे बड़ी मंडी आलू मंडी समाजवादी पार्टी सरकार की देन है जी। तो जमीनी स्तर पर वाकई में क्या काम हुआ है नंद किशोर? कई पुल बनाए, ये समाजवादी पार्टी की देन जी। अभी ये सारे सरकार में जनपद फरुखाबाद में 100% भ्रष्टाचार बढ़ गया विपक्ष की सरकार के अलावा, हम लोगों की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था, इन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं था, अब जो हुआ है वो हुआ है, और अभी भ्रष्टाचार हुआ है, केवल विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है विकास नहीं हुआ है। विकास जी इसका जवाब अभी जरूर दीजिएगा, लेकिन इससे पहले दीपचंद दीक्षित जी के पास चलते हैं एक सवाल का जवाब लेने के लिए। दीपचंद जी आपको हमारी आवाज आ रही है? दीपचंद जी आपको हमारी आवाज आ रही है? विकास जी आप जवाब दीजिए, नेटवर्क इशू ही आ रहा है बार बार जी। विकास जी पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम दूसरा सवाल करते हैं। देखिए भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी जी, हम सबको याद है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सरकारें चलाई। दूसरी चीज आप समाजवादी पार्टी के ऊपर आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये दुर्गा शक्ति नागपाल एक IAS हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, जरा पूछ लीजिए ना उनसे, दुर्गा शक्ति नागपाल आपको बताएंगी कि भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी की या समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ करता था। अगर उससे भी मन ना भरे तो जरा पूछ लीजिए उन बेचारे सिपाही भर्ती वालों से, वो बताएंगे कि भ्रष्टाचार में लिस्टें कहां से आया करती थी और कैसे कैसे प्रत्याशी कैसे कैसे अभ्यर्थी भर्ती हो जाया करते थे। तो भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है, वो समाजवादी पार्टी जिसने भ्रष्टाचार में PhD कर रखी है। बंद हमारी और खुली तुम्हारी का नारा देने वाले लोग समाजवादी पार्टी के खुला प्लाट हमारा और बंद प्लाट तुम्हारा, अगर जिस प्लाट की बाउंड्री नहीं होती थी उस पे बोर्ड लगा दिया जाता था समाजवादी पार्टी का, ऐसी सरकारें चलाने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अपने गृहबान में झांकने का विशुद्ध रूप से अवसर मिला है, एक बार झांक करके स्वयं की समीक्षा कर लें तो ये फरुखाबाद भी मुझे लगता है कि तर जाएगा और फरुखाबाद का भी उद्धार हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी के लोग अपनी इस तरीके की राजनीति को छोड़ देंगे। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जब विकास की बात आती है तो आप देख लीजिए इसी फरुखाबाद के अंदर ओवर ब्रिज सपना हुआ करता था, आज दो दो ओवर ब्रिज, दो दो ROB बनकर के तैयार हो गए हैं और दो ROB पाइपलाइन में है, संभवतः वो भी अगली बार बनकर के तैयार होंगे। दूसरी चीज आप देख लीजिए, दो दो STP प्लांट, एक STP प्लांट 220 करोड़ रुपए की लागत से है, बहुत बड़ी रकम होती है 220 करोड़,
दोनों दो दो एसटीपी प्लांट 90% वर्क कंप्लीट हो गया है, केवल पाइपलाइन से नालों को टैप करना बाकी रह गया है, केवल नाले टैप हो रहे हैं, संभवतः वो भी 2-3 महीने में कंप्लीट होकर के चालू हो जाएंगे। दो दो एसटीपी प्लांट फर्रुखाबाद में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपको बता दूं मैं सोनाली जी, दो बहुत बड़े पुल, एक पुल बना करके अपनी छाती पीटने वाले जरा अर्जुनपुर चले जाएं, जरा देख ले मणियन घाट का पुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। अर्जुनपुर का पुल मैं बताता हूँ, मैं उसी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ सोनाली जी, हमारे जो पुरखे थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, यहाँ से विदेश मंत्री जैसे सांसद क्यों ना रहे हो, लेकिन उस पुल की किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने सुध नहीं ली। आज वो पुल बनकर के 90% काम कंप्लीट हो गया है और वो भी पुल जनता को समर्पित होने जा रहा है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिए। हमने यहाँ से निकलने वाला एकमात्र जो स्टेट हाईवे था उसे नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कराया है और बरेली से लेकर लिपलेख भिंड तक जो हाईवे जाता है उसे 4 लेन कराया गया है। आप देख लीजिए उस पर भी काम चल रहा है और बहुत जल्द वो भी काम पूरा होकर के जनता को समर्पित हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूँ सोनाली जी, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं और जो उन्हें करीब से जानते हैं, हमारे नंद किशोर जी नहीं जानते होंगे, हमारे आदरणीय नीरज जी नहीं जानते होंगे, लेकिन अखिलेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं योगी जी को कि जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम फर्रुखाबाद को लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेंगे और अगर कानपुर के बाद कोई शहर जाना जाएगा तो वो फर्रुखाबाद जाना जाएगा। सवाल है विकास जी करेंगे कि वाकई में क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा, यही देश की जनता और फर्रुखाबाद की जनता भी जानना और समझना चाहती है। और अभी फर्रुखाबाद की जनता जो पिछले 20 सालों से उन अंकुर जी आप जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में जो दावा किया गया है उसे पूरा भी किया जाएगा और क्या विपक्ष जो दावा कर रहा है वो उसे पूरा करने में और जनता को समझाने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो जो दावा किया है कहीं ना कहीं देश की जनता फर्रुखाबाद की जनता उस पर भरोसा करती है, लेकिन क्या विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है उसे मात देने में कामयाब हो पाएगा? जी अंकुर जी, नंदकिशोर जी आप जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता जी बात कर रहे हैं कि इटावा बरेली हाईवे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और लिंक एक्सप्रेसवे को जो लिंक देने की बात कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे फर्रुखाबाद से गुजर जाता तो फर्रुखाबाद में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाती और फर्रुखाबाद को नया रोजगार का अवसर मिलता। अब लिंक मार्ग दिए क्या फायदा जब आपने हाईवे ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है, आपको देना रहा तो हाईवे दे देना, जबकि सत्ता की सरकार में सपा की सरकार में परसीमन में मैथ में फर्रुखाबाद शामिल था, इन्हीं की सरकार में फर्रुखाबाद को उठाया गया। ये फर्रुखाबाद के लिए उनका दोहरा चरित्र है, ये कहते कुछ है फर्रुखाबाद के लिए करते कुछ है, इसीलिए पूर्णता रूप से हटाना है इस बार के लोकसभा के चुनाव जी। नंदकिशोर जी इसका जवाब देश की जनता दे देगी, लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और उसके नतीजे आने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं बचेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस बीच एक बड़ा सवाल उठ करके सामने आया है कि फर्रुखाबाद को जो कानपुर के टक्कर में बनाने की बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्या वाकई में ये लोकसभा चुनाव के बाद संभव हो पाएगा? क्योंकि हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि जब चुनाव होता है नेता केवल तभी जागते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं 5 सालों के लिए कि कोई जनता थी जिससे उन्होंने वादा किया था। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई में जो 20 साल से फर्रुखाबाद का हाल हो रखा है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, उसमें कुछ विकास के काम हो पाएंगे, फर्रुखाबाद की जनता को जो सौगातें दी गई हैं क्या वो वाकई में जमीनी स्तर पर वाकई में धरातल पर उतर करके सामने आएंगी और क्या फर्रुखाबाद की जनता का कुछ भला हो पाएगा? आपको
बता दें आगामी लोकसभा चुनाव में 14 राज्यों में विपक्ष के लिए भाजपा के सामने चुनौती पेश करना आसान नहीं है। वही गठबंधन में भी लगातार विकेट गिर रहे हैं और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बता दें लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लगातार बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस से आज यानी कि गुरुवार 4 अप्रैल को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें पार्टी के बड़े नेता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा है कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं और इसके साथ ही और ऐसा में पार्टी में बने रहना बेहद मुश्किल भी है। वहीं गौरव वल्लभ ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग करके इस्तीफे की फोटो भी शेयर की और इस्तीफे का ऐलान भी किया है। गौरव वल्लभ ने अपने पोस्ट में लिखा कहा इसके साथ ही कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर के आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। यानी कि साफ साफ इशारा दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं गौरव वल्लभ और इसके साथ ही वो उनके कामों की भी सराहना कर रहे हैं और इसी के कारण मैं कांग्रेस पार्टी से सभी पदों से प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं वहीं उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे लेटर में लिखा कि मैं भावुक हूं और मन व्यथित भी है। उन्होंने लिखा कि काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं। फिर भी मैं आज बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे में मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता हूं। अब देखना यह है कि जो गौरव वल्लभ लगातार वो प्रधानमंत्री के कामों की सराहना कर रहे हैं, उनके काम की बात कर रहे, चर्चा कर रहे, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयारी में भी हैं, क्या उनको कोई बड़ा सीट दिया जाएगा जहां से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे और क्या लोकसभा चुनाव में उनकी भागीदारी उतनी ही अहम हो पाएगी जितनी की कांग्रेस में होने वाली होगी। तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा उसका हर एक अपडेट चुनावी चक्रव्यूह में और उसकी चर्चा भी की जाएगी और दिया भी जाएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज़। सियासी हलचल है लगातार, रणभूमि में क्या होगा इस बार? किसान है परेशान, युवाओं पर भी आई है आंच। क्या राम मंदिर से बन पाएगी बात या महंगाई रणभूमि में देगी मात? जनता की दहाड़ हम सुनेंगे इस बार, तथ्यों पर करेंगे बात, सिर्फ और सिर्फ चुनावी चक्रव्यूह में सोनाली सिंह के साथ।